दोस्तों साल था 1969 जब इंडियन सिनेमा को उसका फर्स्ट सुपरस्टार मिला, राजेश खन्ना। उस समय हर किसी की जुबान पर राजेश खन्ना का ही नाम गूंज रहा था। हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके साथ ही काम करना चाहता था। ऑडियंस मानो राजेश खन्ना की दीवानी बन चुकी थी। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद का स्टारडम अब धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा था और राजेश खन्ना तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन राजेश खन्ना का ये स्टारडम ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया और अब ऑडियंस भी हीरो की रोमांटिक टाइप पर्सनैलिटी से ऊब चुकी थी। तभी साल 1973 में आती है प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में शायद पहली बार एंटी हीरो जैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया। इसी फिल्म ने एक एक्टर को एंग्री यंग मैन की इमेज और इंडियन सिनेमा को उसका नया सुपरस्टार भी दिया। हिराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। सिनेमा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज ओनली अमिताभ बच्चन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। He rebel, he would be someone who's a criminal, but whose heart is on the right side. फिल्म जंजीर की स्टोरी सलीम खान ने लिखी और स्क्रीन प्ले किया था सलीम खान और जावेद अख्तर ने, जो कि सलीम जावेद की जोड़ी के नाम से फेमस थे। खैर, जंजीर ने बॉक्स ऑफिस में 3 करोड़ का नेट कलेक्शन करा और ये अमिताभ बच्चन के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म बनी। आप कह सकते हैं कि फिल्म जंजीर ने अमिताभ बच्चन की दुनिया बदल दी थी। अगले ही साल अमिताभ बच्चन रोटी कपड़ा और मकान में दिखे, जो कि साल 1974 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। लेकिन अमिताभ बच्चन के फैंस को अब भी एक ऐसी फिल्म की तलाश थी जो कि साल की नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म हो। 15 अगस्त 1975 को बड़े पर्दे पर एक फिल्म रिलीज हुई, शोले, और ये फिल्म एक हिस्ट्री बन गई। रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी शोले ने इंडियन सिनेमा के 60 सालों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। ऑडियंस को शोले के कैची डायलॉग्स और कैरेक्टर्स काफ़ी पसंद आए। यहाँ तक कि फिल्म में जितना प्यार जयवीरू को मिला, उतना ही प्यार ऑडियंस ने फिल्म के विलन गब्बर, साथी ठाकुर, बसंती, सांबा, कालिया, जेलर और इमाम साहब, इन सबको भी दिया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? शोले बॉक्स ऑफिस में 15 करोड़ का नेट कलेक्शन करके अपने साल की नहीं बल्कि ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी। इससे पहले ये रिकॉर्ड 1960 की मुगले आजम के पास था, जिसने बॉक्स ऑफिस में 5.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। शोले का ये रिकॉर्ड 1994 में टूटा जब सलमान खान की फिल्म हम आपके कौन ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में लगभग 72 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। धीरे धीरे अमिताभ बच्चन को नए नए प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। शोले के बाद अमिताभ बच्चन एक बड़ा नाम बन चुके थे, पर अमिताभ बच्चन का वन मैन इंडस्ट्री बनना अब भी दूर था। साल 1975 में अमिताभ बच्चन दीवार, चुपके चुपके, 1976 में कभी कभी, हेरा फेरी, 1977 में अमर अकबर एंथनी, 1978 में त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, 1979 में काला पत्थर, सुहाग, 1980 में दोस्ताना, 1981 में लावारिस, सिलसिला, कालिया और 1982 नमक हलाल जैसी मूवीज़ में दमदार किरदार निभाते हुए नजर आए। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि चुपके चुपके जैसी कॉमेडी मूवी और कभी कभी जैसी रोमांटिक मूवीज़ भी करी। अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी मानो आसमान छू रही थी। अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी और डोमिनेंस को देखते हुए फ्रेंच डायरेक्टर फ्रैंकोइस ट्रूफॉर्ट ने अमिताभ बच्चन को वन मैन इंडस्ट्री कहा। अमिताभ बच्चन को अब एक सुपरस्टार ही नहीं बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री कहा जाने लगा। 1974 से 1979 लगातार 6 सालों तक इंडियन बॉक्स ऑफिस में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म अमिताभ बच्चन की ही थी, जो कि एक कारनामा करने वाले अकेले एक्टर हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिंग करने वाले एक्टर भी अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी के आगे टिक नहीं पाए, पर तभी अमिताभ बच्चन की लाइफ में आता एक टर्निंग पॉइंट। साल 1982 में अमिताभ बच्चन कोली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जहां एक एक्शन सीन के दौरान उनके साथ भयानक हादसा हो गया। जिस कारण उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उस समय अमिताभ बच्चन की हालत को देखते हुए कई लोगों ने उन्हें ऑलमोस्ट डेड घोषित कर दिया था, मगर लाखों करोड़ों लोगों की दुआओं और ऑफकोर्स डॉक्टर्स की मेहनत की वजह से अमिताभ बच्चन को एक नया जीवन मिला। 1984 में अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया, पर अमिताभ बच्चन फिल्मों से ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह पाए और शहंशाह मूवी से अपना कमबैक किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल हुई। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने 1990 की कल्ट फिल्म अग्निपथ के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जीता। ए, दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतुंडे साहब,
हैं, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। 90s में फिल्मों से ब्रेक लेने से पहले अमिताभ बच्चन ने, मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफी साल काम कर लिया और अभी कुछ इत्मीनान मिला है जीवन में। 1987 में एक एंटरटेनमेंट कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना करी। अमिताभ बच्चन एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उन पर अलग अलग लोगों का 90 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा था। जब उन्होंने ब्याज का हिस्सा मांगा तब मैंने उनके बदले में कमर्शियल्स करे। अमिताभ बच्चन आगे कहते हैं कि मैं कभी भूल नहीं सकता कि कैसे लेनदार हमारे दरवाजे में आकर हमें अब्यूज़, धमकी और मांग करते थे। इस डार्क फेस से निकलने के लिए अमिताभ बच्चन यश चोपड़ा के पास गए और उनसे काम मांगा। यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को मोहब्बतें फिल्म ऑफर की जो कि बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी हिट साबित हुई। साथ ही साल 2000 में अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति से अपना टेलीविजन डेब्यू भी किया। हम दोनों के बीच 15 सवाल और आप बन सकते हैं करोड़पति। शो की सफलता ने अमिताभ बच्चन को उनकी लाइफ के डार्केस्ट सिचुएशन से बाहर निकालने में काफी मदद की। दोस्तों, अगर आप कौन बनेगा करोड़पति के डार्क ट्रूथ के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सन 2000 के बाद से अमिताभ बच्चन लगातार फिल्में और साथ ही टेलीविज़न शो कौन बनेगा करोड़पति को भी होस्ट करते हुए आ रहे हैं, जिसके लिए वो अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं। आज 81 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन फिल्में कर रहे हैं जिनमें फैमिली ड्रामा, थ्रिलर, स्पोर्ट्स और कॉमेडी जोन की मूवीज़ तो है ही। साथ ही इस उम्र में अमिताभ बच्चन टक्स ऑफ हिंदुस्तान और सायरा नरसिम्हा रेड्डी जैसी एक्शन मूवीज़ भी कर रहे हैं जो कि सच में अनबिलीवेबल है। अमिताभ बच्चन का इतना बड़ा सुपरस्टार बनने के बाद उनकी लाइफ में इतना बड़ा डाउनफॉल आया, पर उसके बाद भी अमिताभ बच्चन उठे और आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि आज उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।